Welcome to Mason, my dear students. So in this video you will learn about the sixth shortcut method for finding PI. See, we have a complete lecture series jahan par humne for finding PI all seven shortcut method ko one by one har lecture har video lecture mein discuss kiya hai. So usi series mein we are taking here six shortcut method for finding PI. So we start with this method. Dekho is method mein hum किस टाइप के फंक्शंस लेते हैं. जब फंक्शंस हमारा क्या है, एक्स रेस टू एम कॉस ए एक्स, एक्स रेस टू एम साइन एक्स. सी, और आउट ऑफ सेवन थ्री शॉर्टकट मेथड्स आर द कॉम्बिनेशन. ठीक, तो मैं एक बार फिर से सेवन शॉर्टकट मेथड्स लिखती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मेथड इज. सो दिस आर द सेवन शॉर्टकट मेथड. फर्स्ट था जिसमें फंक्शन ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स या फिर कॉन्स्टेंट, राइट. सेकेंड था जिसमें कॉस ए एक्स साइन ए एक्स होता है. थर्ड, हाइपरबोलिक फंक्शन. फोर्थ इज एक्स रेस टू एम. फिफ्थ इज द कॉम्बिनेशन ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई वी, वेर वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स. नाउ सिक्स्थ मेथड, एक्स रेस टू एम कॉस ए एक्स और एक्स रेस टू एम साइन ए एक्स. देखो, जब हम कॉम्बिनेशन वाले फंक्शन की बात करते हैं, सेवेंथ मेथड क्या है, एक्स इंटू वी. यहाँ पे कंपल्सरी दिस एक्स रेस टू वन होना चाहिए. यहाँ पर देर इज नो चेंज. नो चेंज मतलब यहाँ एम की वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है. यहाँ सिक्स्थ और सॉरी फिफ्थ और सेवेंथ मेथड में क्या है, ये जो वी है दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, बट दिस वी कैन बी एनी सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, हाइपरबोलिक, एक्स रेस टू एम, कुछ भी हो सकता है. बट यहां पर ये फिक्स था, यहां पर ये एक्स रेस टू वन फिक्स था और ये वी था. तो यहां इन दोनों में हमें क्लैरिटी आती है कि जो फिक्स पार्ट है हमें वो पहले ऑपरेट करना है और उसके बाद जो एनी फंक्शन ऑफ एक्स है उसको ऑपरेट करना है. ठीक है, पर ये जो सिक्स्थ मेथड है इसमें फिक्स फंक्शन मिलेगा मुझे एक्स रेस टू एम कॉस ए एक्स और एक्स रेस टू एम साइन एक्स. फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ एक्स कैसा होगा, एक्स स्क्वायर दिस इज कॉस थ्री एक्स और एक्स रेस टू फोर साइन टू एक्स और एक्स साइन एक्स और वट एवर. तो यहाँ पे ये इनके दोनों फंक्शन फिक्स है, सिर्फ एम बदलेगा और ए बदलेगा. ओके, सो दिस वे वी आर टेकिंग दिस सिक्स शॉर्टकट मेथड. ये सारी शॉर्टकट मेथड के पीछे सिर्फ यही मोटिव था कि आपको वो क्लैरिटी आनी चाहिए कि हर मेथड में हम क्या कर रहे हैं. फर्स्ट मेथड में वी रिप्लेस डी बाय ए, सेकंड एंड थर्ड में वी रिप्लेस डी स्क्वायर हियर बाय माइनस ए स्क्वायर हियर बाय ए स्क्वायर. केस वैल्यूज वी हैव डिस्कस्ड. एक्स रेस टू एम में वी हैव टू राइट इन द इनवर्स फंक्शन. हियर इन दिस फंक्शन we replace first d by d plus a and then operate on function of x. Now this the method. थोड़ी different method है लेकिन tough नहीं है. अच्छे से working rule समझोगे तो कर पाओगे. तो working rule क्या है इसका, सबसे पहले तो हम pi निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, वन by function of d and here I'm going to write x रेस to m cos ax or sin x. ठीक, working rule हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो. पार्ट्स में डिवाइड करो मतलब क्या, हमारे पास दो चीज होती है, एक होती है मेथड जिसको तुम्हें मगअप करना है, क्योंकि अगर तुमने मेथड को अच्छे से मगअप किया तो तुम कैसा भी क्वेश्चन आने दो सॉल्व कर पाओगे. बट स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द मेथड्स दे आर मगिंग अप द क्वेश्चंस. और इसीलिए जब एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है they will not be able to solve the question. तो method मगअप करो, method को follow करके question को solve करो. So यहाँ पर देखो x raise to m cos ax है, तो हम क्या करते हैं, ये जो term है trigonometric term इसको exponential में convert करते हैं. अब exponential में कैसे convert करेंगे, तो we have a formula complex का e raise to i theta, e raise to i x is cos x plus I साइन x, e रेस टू i ax is cos ax
प्लस आई साइन ए एक्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब देखो अगर यहाँ कॉस मिल रहा है तो वो रियल पार्ट है, अगर साइन मिलता है तो वो इमेजिनरी पार्ट है। तो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस लाइक दिस, वन बाय फाइ ऑफ डी, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट एक्स रेस टू एम ई रेस टू आई ए एक्स, ठीक है। यहां हम इसे दिखाते हैं कि दिस वी आर कंसिडरिंग रियल पार्ट, पर यहां उसको हर बार दिखाने के बजाय लास्ट में जब जो फाइनल आंसर आता है उसमें हम रियल पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं, इमेजिनरी को इग्नोर कर देते हैं। अगर यहां साइन होता तो इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर करते और रियल पार्ट को इग्नोर करते, दैट्स इट। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। तो हमने क्या करा, फ्रॉम दिस टू वी कन्वर्ट ऑन दिस। तो अब यहां पर जब मैं कन्वर्ट कर चुकी हूं वन बाय फाइव ऑफ डी ई रेस टू आई ए एक्स एक्स रेस टू एम, तो अब ये यहां से मैंने इस सिक्स शॉर्टकट को किस में कन्वर्ट कर लिया, ई रेस टू ए एक्स इंटू वी वाले फॉर्म में, राइट। तो ई रेस टू ए एक्स इंटू वी फॉर्म क्या बोलता है कि पहले किस पे ऑपरेट करो, ई रेस टू आई ए एक्स पे, और डी को किस से रिप्लेस कर दो, कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब डी प्लस आई ए से। तो यहां मुझे क्या मिल गया, वन बाय फाइव ऑफ डी प्लस आई ए, एंड हियर आई एम गेटिंग एक्स रेस टू एम। और अब इसको हम जैसे शॉर्टकट लगा के सॉल्व करते हैं सेम यू हैव टू सॉल्व। तो यहां जो हमने ट्रिक अप्लाई करी है वो क्या है, ये पार्ट फिक्स है, दिस कम्स इधर विथ कॉस ए एक्स और विथ साइन ए एक्स। तो तुम्हें क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ई रेस टू आई ए एक्स इज कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। देन अगर कॉस है तो वी कंसिडर रियल पार्ट, अगर साइन है तो वी कंसिडर इमेजिनरी पार्ट, इतना ध्यान रखना है। और ये भी कब करना है, जब हम लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, ओके। तो अब जब हमने यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, नाउ वी हैव वी रिड्यूस दिस शॉर्टकट टू दिस ई रेस टू ए एक्स इंटू वी, पहले ई रेस टू ए एक्स को ऑपरेट किया देन वी को ऑपरेट किया, एंड दिस वे यू गेट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्किंग रूल। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन सो दैट द मेथड इज मोर क्लियर टू। सो आई हैव रिटन हियर द वर्किंग रूल व्हाट यू हैव टू अप्लाई। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। हमेशा राइट हैंड साइड पे फंक्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का कौन सा रूल अप्लाई करना है। सी देयर आर टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स के लिए तीन कॉम्बिनेशन वाले शॉर्टकट मेथड है। एक जो है उसमें फिक्स ई रेस टू ए एक्स होता है, यहाँ पर नहीं है। दूसरा है जिसमें फिक्स कॉम्बिनेशन है एक्स रेस टू एम और उसके साथ में कॉस या साइन का फंक्शन, राइट। एंड थर्ड जो है उसमें एक्स रेस टू वन कंपल्सरी आता है। तो यहाँ एक्स रेस टू वन नहीं है, ई रेस टू एक्स नहीं है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, राइट। तो जब हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे सबसे पहले लिखेंगे पी आई, पी आई क्या लिखेंगे, वन बाय डी फोर प्लस टू डी स्क्वायर प्लस वन, एंड हियर वी हैव एक्स रेस टू टू कॉस एक्स, ठीक। वर्किंग रूल क्या होता है कि जो कॉस वाला फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल में रिड्यूस कर दो। तो हम कैसे करते, ई रेस टू आई एक्स इज रिटर्न एज कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो सी व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर कंसिडरिंग दिस होल का रियल पार्ट आफ्टर सॉल्विंग, बिकॉज कॉस एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, चाहिए तो रेगुलर साथ में लिखते जाओ, अगर लग रहा है लिखना डिफिकल्ट है तो लास्ट टाइम यू हैव टू फाइंड इट। अभी के लिए सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम कैसे, वन बाय डी फोर प्लस टू डी स्क्वायर प्लस वन, एंड हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, एंड साथ में क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स, ठीक। यहां लिखा इनफ है, अब सॉल्व करो एज इट इज, और उसके बाद हम क्या ले लेंगे इसको फाइनल में रियल पार्ट को ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। अब यहां पर कैसे हो गया, मेरे पास फंक्शन हो गया ई रेस टू ए एक्स और एक्स रेस टू एम। तो वो मेथड क्या बोलती है, ऑल डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस आई, ओके। तो अब मुझे यहां क्या मिलेगा, ई रेस टू आई एक्स विल बी हियर, कैसा ई रेस टू आई एक्स, रियल पार्ट, ठीक है। तो अब ये नहीं भी लिखा तो चलता है,
और यहां पर क्या जाएगा, वन बाय डी प्लस आई रेस्ट टू फोर माइनस सॉरी प्लस डी प्लस आई होल स्क्वायर प्लस वन, और साथ में यहां पर क्या जाएगा एक्स रेस्ट टू टू। यहां पर चाहिए तो आप इसको डी फोर को अगर एक्सपेंड नहीं करना है तो यू कैन राइट इट डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दैट वे यू ऑल्सो कैन डू, और नहीं तो यू कैन एक्सपेंड इट हियर एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई। बोथ वे आर पॉसिबल, दोनों में से जो इजी लगता है वैसे कर सकते हैं। लॉव दिस मेथड ओनली, लेकिन होल रेस्ट टू फोर इफ यू फाइंड डिफिकल्टी टू एक्सपेंड दिस देन गो बैक एंड राइट इट लाइक दिस। तो दिस दी वन मेथड दैट यू कैन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहां लिख सकते हैं दिस इज डी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर जब हम डी को रिप्लेस करेंगे तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, डी प्लस आई होल स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एक्स रेस टू टू। तो ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्थ पावर को एक्सपेंड करने के, बट बोथ वे आर पॉसिबल। देखो मैंने दोनों मेथड इसलिए लिया है क्योंकि हमें जल्दी से याद नहीं आता इसको होल स्क्वायर की टर्म में लिखना, लेकिन जब तुम डी फोर पे आओगे उसकी एक्सपेंशन तुम्हें लगता है यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तो तुम फिर से सोच सकते हो यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं जिससे मुझे इतनी एक्सपेंशन ना करनी पड़े। ठीक, ये ई रेस टू आई एक्स एज इट इज, मैं इसको होल स्क्वायर के ब्रैकेट में ही सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस यहां पर आई डिड मिस्टेक नो डी स्क्वायर प्लस टू डी आई ओके प्लस आई स्क्वायर एंड हियर वी हैव प्लस वन होल स्क्वायर, साथ में कितना है एक्स रेस टू टू। दिस कम्स टू बी ई रेस टू आई एक्स, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन। ठीक, डी स्क्वायर प्लस टू डी आई माइनस वन प्लस वन होल स्क्वायर एंड एक्स रेस टू टू, दिस गेट कैंसिल। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे यह क्या मिलता है, ई रेस टू आई एक्स वन बाय, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती बेटा, आई कैन टेक एन आउट कॉमन डी। ओके, तो यहां क्या बचता है मेरे पास, वन डी प्लस यहां से डी कॉमन लिया तो कितना टू आई होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्स रेस टू टू। अब यहां से फिर से ट्रिक आती है, क्या ट्रिक आती है, अगर मैं डी प्लस टू आई होल रेस टू माइनस टू करती हूँ तो मुझे माइनस वन की जगह माइनस टू की पावर एक्सपेंड करनी पड़ेगी, एंड इफ यू फेल्ट लाइक कि नो आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपेंड निगेटिव पावर ऑफ माइनस टू बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विथ रेस टू माइनस वन वाला टर्म, तो इसको फिर से एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, और वन मोर मिस्टेक आई डिड हियर, यहां पर से डी कॉमन लेंगे लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या निकलेगा, डी स्क्वायर। ओके, तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, ई रेस टू आई एक्स, यहां पर ये डी स्क्वायर कॉमन लिया, यहां मुझे मिला होल स्क्वायर की एक्सपेंशन डी स्क्वायर प्लस फोर आई स्क्वायर प्लस फोर डी आई एंड हियर वी हैव एक्स रेस टू टू। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्स रेस टू एम है इसलिए वन प्लस के फंक्शन में लिखना है और फिर इनवर्स लेना है और फिर वो इनवर्स फंक्शन को एक्सपेंड करना है, या होल रेस टू टू था वी वॉन्ट वन इसलिए हम ले सके। अब देखो फोर आई स्क्वायर मतलब माइनस फोर, तो मुझे यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है वन प्लस के फॉर्म में तो मैं यहां से क्या कॉमन लूंगी, आई एम गोइंग टू टेक कॉमन माइनस का फोर टू मेक इट प्लस वन। क्यू, पहले लिख लेते ई रेस टू आई एक्स वन बाय डी स्क्वायर, दिस इज माइनस फोर प्लस डी स्क्वायर प्लस फोर डी आई एक्स रेस टू टू, तो माइनस फोर कॉमन लूंगी तभी ये वन बनेगा। ठीक, क्यों हम ऐसा कर रहे, बिकॉज वी हैव इनवर्स एक्सपेंशन फॉर वन प्लस डी रेस टू माइनस वन एंड वन माइनस डी रेस टू माइनस वन, सो दैट वी हैव टू राइट, वी हैव टू रिमूव दिस कॉन्स्टेंट इन सच अ वे दैट दिस बिकम प्लस का वन, राइट। सो टू मेक इट प्लस का वन आई एम टेकन आउट कॉमन माइनस फोर फ्रॉम हियर, दिस डी स्क्वायर रिमेन्स सेम, सो वॉट रिमेन्स इन साइड, यहां से माइनस फोर लिया तो वन, यहां से माइनस फोर लिया तो ये हो गया माइनस का डी स्क्वायर बाय फोर, यहां से लिया तो ये हो गया माइनस का डी आई, गेट इट, एंड हियर दिस एक्स रेस टू टू एज इट इज। अब ये मुझे एक साथ लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ई रेस टू आई एक्स दिस इज वन बाय माइनस का फोर डी स्क्वायर इन साइड ब्रैकेट वन विथ माइनस साइन,
again inside bracket d square by 4 plus di. Got it? And x raised to 2. Clear? Now this is ready to go in numerator with inverse. So, yaha mujhe kya mil jayega? E raised to ix as it is minus 1 by 4d square b as it is. And this is going to be 1 minus d square by 4 plus di raised to minus 1. And this is x raised to 2. अब देखो मुझे ये पता है यहां 2 है तो मुझे इसकी एक्सपेंशन रेस टू माइनस वन वाली की एक्सपेंशन कहां तक लिखनी है, जहां तक मुझे हाईएस्ट ऑर्डर कितना मिल रहा है 2, उसके आगे की सारी टर्म्स हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे डिफ्रेंसिएशन एनीवे क्या मिलेगा, 0. तो अब यहां हम इसकी एक्सपेंशन लिखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस आई एक्स एज इट इज माइनस 1 बाय 4d square b as it is and here I am getting here minus sign hai, all terms comes with plus sign. So, jab hum iski expansion likhenge to mujhe kya milega, 1 plus b plus d square and so on. Aur last mein x raised to 2 as it is. Ab us x raised to 2 ka multiply karenge to yahan kya milega, e raised to ix minus 1 by 4d square as it is. Here x raised to 2 first se multiply kiya. अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, d स्क्वायर बाय 4 प्लस di ऑफ x रेस टू 2 d स्क्वायर बाय 4 प्लस di होल स्क्वायर x रेस टू 2 एंड सो ऑन. ठीक, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय ईच टर्म. तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इस x स्क्वायर का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, हियर 1 टाइम डिफरेंशिएशन. जब मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड करूंगी, फर्स्ट टर्म मिलेगी d4, 2ab वाली टर्म मिलेगी d क्यूब और b स्क्वायर वाली मिलेगी ओनली d स्क्वायर. तो मुझे सिर्फ a की टर्म मिलेगी जिससे मुझे डेरिवेटिव नॉन जीरो मिलेगा, बाकी सारी टर्म से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. सो नो नीड टू राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, यू कैन राइट ओनली द टर्म्स व्हिच हैज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. वी सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट. नाउ सी फ्रॉम लास्ट टर्म I'm going to write here. So, mujhe e raised to ix as it is with a minus sign 1 by 4 d square as it is. Here x raised to 2. Now see d square by 4 of x square. D square matlab 2 times differentiation. So, x square ka 2 times differentiation kya hoga? 2x and then 2. Aur yahan par d square by 4 tha. Matlab d square by 4 of this. So, mujhe milega 2 by 4. Cancel hoke kitna? 1 by 2, right? फिर di of x square, तो di of x square कितना हो जाएगा? D मतलब एक बार differentiation, 2xi, right? Then यह whole square था, तो वहाँ से मुझे एक ही term मिलेगी, तुम्हारी convenience के लिए मैं इसकी expansion लिख देती हूँ. So इसका expansion लिखा मेरे d square by 4 plus di का, a square प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऑफ x रेस टू 2. ठीक, तो ये फोर्थ ऑर्डर है, इसका डिफरेंशिएशन 4 टाइम 0, या थर्ड ऑर्डर है डिफरेंशिएशन 0, तो मुझे सिर्फ ये टर्म मिलेगी और i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1. तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, यहां पर इसकी सिंप्लीफिकेशन मुझे क्या मिलेगी, माइनस d स्क्वायर ऑफ x रेस टू 2. इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, माइनस का. Okay, so I'm going to write here in the next step. So here I'm getting e raised to ix with the minus sign 1 by 4d square inside bracket x square plus 1 by 2 plus 2xi and from here iske liye 0, iske liye 0, iske liye minus ka 2. Like 2 minus 2. Isko simplify kiya to kya milta hai? This is going to be x square plus 2xi. 1 by 2 minus 2 is minus ka 3 by 2. Right? Now what? Minus 1 by 4 to constant hai. Lekin ye d square hai. Matlab you have to integrate this 2 times. Toh mujhe yahan ab iski simplification kya milegi? E raised to ix by 4 with minus sign remains same. Okay? And 1 by d square I am going to write here. Matlab 1 by d likhti hu. Aur ek integrate karte hai. Toh integration kya milega? X cube by 3. प्लस एक्स स्क्वायर आई, क्योंकि 2 से 2
कैंसिल एंड हियर माइनस 3/2x. यहां तुम्हें समझ में आना चाहिए, आई एम गोइंग टू राइट हियर, तो जो 1/d² से 1/d बना है वो क्यों बना है, क्योंकि एक d को मैंने ऑपरेट कर दिया है. अगेन आई एम गोइंग टू ऑपरेट नेक्स्ट d, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, माइनस e^(ix/4) एज इट इज, एंड हियर आई एम गेटिंग x^4/12, हियर x^3/3 आई, एंड हियर माइनस 3/4 x^2. ठीक, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग रियल पार्ट, तो हम यहाँ पे इसका रियल पार्ट कंसिडर करेंगे. तो उसके लिए मुझे e^ix को भी क्या लिखना पड़ेगा, cos x plus i sin x, which is going to multiply by this term, that is x^4/12 plus, I'm going to write this two real part together, minus 3/4 x^2 and here x^3/3i. ठीक, तो देखो रियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट, ओके, तो ये मुझे एक रियल पार्ट मिलेगा, फिर रियल मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी मिल रहा है, देन इमेजिनरी मल्टीप्लाई बाय रियल इज इमेजिनरी, इमेजिनरी मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी इज रियल, तो मुझे फाइनली यहां पर क्या मिलेगा, माइनस 1/4 cos x इन साइड ब्रैकेट x^4/12 माइनस 3/4 x^2, दिस इज द वन रियल पार्ट, एंड सेकेंड मिलेगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से, तो i इंटू i बिकम i² दैट इज माइनस 1, और साथ में क्या आएगा x^3/3 sin x. सो दिस इज द PI. थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, एग्जाम में भी कम पूछा जाता है, लेकिन मेथड है तो तुम्हें आनी चाहिए. सो दिस द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व व्हेन द फंक्शन ऑफ x इज x^m cos ax और x^m sin x. सी हियर आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन विच यू हैव टू ट्राई by the same method. So this is the second last shortcut method which we have done. In my next lecture I am going to take last shortcut method, and then I am going to take some miscellaneous question where we have the combination of three terms or four functions of x. This way we will finish this shortcut method. Thank you so much for watching this video. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you so much.